हेलो एवरीवन। तो जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि हम आज से जो है वो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लेक्चर सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन पेपर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये 2016 का क्वेश्चन पेपर है, सीरीज़ बी है, और ये टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड के लिए लिया गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो था उस टाइम पे जो था ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था, इस बार जो था जो एग्ज़ाम होने वाला था अभी तो वो पोस्टपोन हो गया, लेकिन वो पेपर जो है वो ऑनलाइन होने वाला था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो भी आंसर्स यहाँ पे रहने वाले हैं वो एज़ पर ऑफिशियल आंसर किए हैं, और एक बार मैंने भी उनको खुद क्रॉस चेक करा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स कंसीडर फॉर कंक्रीट एंड स्टील इन लिमिट स्टेट डिज़ाइन मेथड्स आर। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन ए 1.5 एंड 1.25। और यहाँ पे जो कंक्रीट का सेफ्टी फैक्टर है वो ज़्यादा क्यों है, क्योंकि कंक्रीट जो होता है हम साइट पे उसका मिक्स बनाते हैं, और स्टील जो होती है वो हमारी मैन्युफैक्चर होती है इंडस्ट्री में। तो क्वालिटी कंट्रोल की वजह से जो है वो कंक्रीट का सेफ्टी फैक्टर जो होता है वो ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू स्टील। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द परमिसिबल लोड फॉर कॉलम विद हेलिकल रीइन्फोर्समेंट शैल बी फिंग द बैंक्स टाइम्स द परमिसिबल लोड फॉर सिमिलर मेंबर विद लेटरल टाइज और रिंग्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd, द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ रिइंफोर्सिंग बार्स यूज्ड इन स्लैब्स शैल नॉट एक्सीड फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ टोटल थिकनेस ऑफ स्लैब। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए 1/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, एज पर IS 456/2000 द बेसिक स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो फॉर कैंटिलीवर बीम इज। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। जैसे कि आपको पता है कैंटिलीवर के लिए सबसे कम होती है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, एज पर IS 456/2000 द बीम इज कंसिडर्ड डी बीम वैन द इफेक्टिव स्पैन टू ओवरऑल डेप्थ रेशियो इज लेस देन फिलिंग द ब्लैंक्स फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, इन ऑर्डर टू एंश्योर द लेटर स्टेबिलिटी ऑफ सिंपली सपोर्टिव बीम्स द बीम शैल बी सो प्रपोर्शन दैट द क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द लेटरल रिस्ट्रेंट डज नॉट एक्सीड फिलिंग द ब्लैंक्स विच एवर इज लेस। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन ए। तो ये जो भी RCC के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे कोडल प्रोविजंस हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन द केस ऑफ कंक्रीट वेयर मिनरल एडमिक्सचर्स और ब्लेंडेड सीमेंट्स आर यूज्ड इट इज़ रिकमेंडेड टू क्योर द कंक्रीट फॉर द मिनिमम पीरियड ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 14 डेज़। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, द मोमेंट एंड शेयर कोफिशेंट मैंशनड इन IS 456/2000 कैन बी यूज फॉर द एनालिसिस ऑफ कंटिन्यूस बीम्स विद 3 or more स्पैन्स ओनली इफ द स्पैन डू नॉट डिफर बाई मोर देन फिल इन द ब्लैंक्स परसेंट विद रिस्पेक्ट टू लॉन्गेस्ट स्पैन। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी 15। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, विच ऑफ फॉलोइंग करेक्टराइज द टिपिकल फेलियर ऑफ एन ओवर रिइंफोर्स्ड कॉन्क्रीट बीम दैट हैज़ ए रिइंफोर्समेंट रेशियो हाइयर देन द बैलेंस रेशियो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इन्वॉल्व इन कॉन्क्रीट प्रोडक्शन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। सबसे पहले जो होता है बैचिंग, मिक्सिंग, फिर हैंडलिंग, फिर ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एक्सियल लोडेड कॉलम ही यहाँ पे लेडेड हो गया, लोडेड कॉलम इज ऑफ 300 mm by 300 mm साइज इफ द इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम इज 3 meter बट इज द मिनिमम इसेंट्रिसिटी ऑफ एक्सियल लोड फॉर द कॉलम इज। तो जैसे कि आपको पता है कि फॉर्मूला L/500 + D/30 या 20 mm विच एवर इज ग्रेटर, ठीक है।
विच एवर इज़ ग्रेटर होता है, ठीक है। तो एल हमारे पास यहाँ 3 मीटर दिए दे रखा है, तो हम 3000 mm डिवाइड बाय 300 प्लस डी हमारे पास 300 है, तो 300 mm डिवाइड बाय 30 करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 16। और या तो 16 और फार्मूला और 20 mm, मतलब हम 20 mm तो हमें कंसिडर कर दिया, और इन दोनों में से जो भी ग्रेटर होगा तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, 20 mm, कि 20 mm तो हमें प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी कॉलम एसेंट्रिसिटी मिनिमम। IS 1343/1980 लिमिट्स द मिनिमम करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट फॉर पोस्ट टेंशन वर्क्स एंड प्री टेंशन वर्क एज। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ वोल्टेज रिपीटेड प्रोपेल्ड ट्रस्ट एंड ब्रेस्ड फ्रेम्स द इफेक्टिव लेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर्स शैल बी टेकन एज प्लिंथ ऑफ फ्रैंक्स टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ कनेक्शन। तो इसका जो राइट आंसर है वो, ये भी आपका कोडल प्रोविजन है, डायरेक्ट कोड से ही सारे क्वेश्चन आए हुए थे उस टाइम। 14 लेसिंग बार्स शैल बी इंक्लाइंड एट एन एंगल नॉट लेस देन फिलिंग द ब्लैंक्स एंड नॉर मोर देन फिलिंग द ब्लैंक्स टू द एंगल ऑफ बिल्ट अप मेंबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, ये भी आपका कोडली प्रोविजन है स्टील से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 फॉर कॉम्प्रेशन मेंबर्स द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू एडजेसेंट फास्टनर इन ए लाइन लाइंग इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस शैल नॉट एक्सीड फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स विच एवर लेस टेक टी एज द थिकनेस ऑफ थिन प्लेट। ठीक है, यहाँ पे आपके आपसे कॉम्प्रेशन मेंबर्स की पूछ रही है, और ये भी आपका कोडल प्रोविजन है, तो आपको पता ही है कि वो रहती है 12T और 200 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 द साइज ऑफ फिलेट बेल्ट शैल नॉट बी लेस देन फिलिंग द ब्लैंक्स एंड नॉट मोर देन देन फिलिंग द ब्लैंक्स रिस्पेक्टिवली। टेक टी इज द थिकनेस ऑफ थिन प्लेट ऑफ एलिमेंट्स बींग वेल्डेड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 3 mm 1T। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, फॉर ए सिंपली सपोर्टेड स्पैन सपोर्टिंग ब्रिटल क्लैडिंग इन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग द मैक्सिमम वर्टिकल डिफ्लेक्शन एज पर IS 800/2007 इज रिस्ट्रिक्टेड टू। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्पैन बाय 300। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 स्टील सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू अ कम्बिनेशन ऑफ शीयर एंड बेंडिंग एक्शन द अप्लाइड शीयर फोर्स इज बी एंड द शीयर कैपेसिटी ऑफ सेक्शन इज बी एस फॉर सच ए सेक्शन हाइएस्ट शीयर फोर्स इज डिफाइंड एज। तो ये भी आपका कोडल प्रोविजन है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19, फ्रिक्शन फैक्टर एफ इन लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो इन ए पाइप सीरीज वेरीज एज रेनॉल्ड नंबर, एंड यहाँ पे रेनॉल्ड नंबर की दो वैल्यूज़ दे रखी हैं, फिर आपकी एवरेज वेलोसिटी बी है, प्रेशर ड्रॉप इन हॉरिजॉन्टल पाइप फॉर लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो रिस्पेक्टिवली विल बी प्रोपोर्शनल टू। तो उसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20, टू पाइप्स आर आइडेंटिकली इन डायमीटर एंड कैरी द सेम फ्लूइड, वन ऑफ पाइप्स इज रफ एंड द अदर हैज़ वेरी स्मूथ इनसाइड सरफेस, बोथ द पाइप्स हैव सेम फ्रिक्शन फैक्टर व्हेन कैरिंग द सेम डिस्चार्ज देन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, द रफनेस मैग्नीट्यूड्स आर मच स्मॉलर देन द लेमिनार सब लेयर। तो इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन नहीं डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट जो आगे क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही।